सच साहस सरोकार। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होंगे अमित शाह, तटीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज गृह जनपद मुरादाबाद आएंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। सपा के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर की थी टिप्पणी। श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, अशांति के बाद करीब दो महीने पहले छोड़ा था देश। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद अब तक सात बार टीम से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, इंजरी बनी बड़ी परेशानी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों का। आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय बिजनौर दौरा शुरू होगा। मुख्यमंत्री आगमन पर एडीजी और डीआईजी ने बिजनौर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी 181 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 54 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। आईएनएस विक्रांत भारत के लिए गौरव की बात है। रक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में औपचारिक बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने रुद्राक्ष सभागार में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की पुस्तक देखो हमारी काशी का विमोचन किया और सभा को संबोधित किया। वो दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वहीं बाबतपुर एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत अन्य नेताओं और अधिकारियों ने रक्षा मंत्री की अगवानी की। आईएनएस विक्रांत जिसकी लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री जी ने की है, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया के ऐसे 6 देश हैं जो इस प्रकार के कैरियर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते हैं, जिस पर कि फाइटर प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। देखो हमारी काशी पुस्तक का विमोचन आज जिस ढंग से काशी नगरी में हुआ है वो अद्भुत है। प्रख्यात लेखक आदरणीय हेमंत शर्मा जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को जिस ढंग से लोकार्पण हुआ है, मैं कह सकता हूं कि समाज में विभिन्न पुस्तक विमोचन के समारोह में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन काशी पर जिस ढंग से इस पुस्तक का विमोचन हुआ, उनकी छोटी छोटी जो कथाएं हैं उनके इर्द गिर्द जो पात्र घूम रहे थे उन पर उन्होंने लिखा है, वास्तव में काशी नगरी जिस ढंग से जीवंत नगरी है वैसे आसपास पात्रों को जीवंत ढंग से लिख करके आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने उत्कृष्ट लेखनी का परिचय दिया है। देखिए कांग्रेस के लोग ये हमेशा से ये कहते चले आए, हम ये भी सोच रहे थे, वो एक पद और एक पेंशन की बात भी वो हमेशा से करते आए थे, जीएसटी की बात भी वो हमेशा से करते चले आ रहे थे, लेकिन वो कहते रह गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया। काशी पूरे भारत की विविधताओं का अगर कहीं एक नगर में वो सारी की सारी अभिव्यक्त होती हैं तो वो काशी है। देखिए किताब के बारे में मुझे कुछ खास कहना नहीं है, अब तो किताब जनता को समर्पित है और मैं मेरे हिसाब से कोई भी पुस्तक का माई बाप पाठक होता है, पाठक ये तय करेगा। मैंने कोशिश की है कि बनारस के सामान्य जन की नज़रों से इस शहर को देखा जाए और इस शहर का जो सामान्य जन है वही इस पुस्तक का नायक है।
अलीगढ़ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा इजलास का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को उनके तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की जानकारी छात्रों को दी गई। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी गई किताब को लेकर उनकी ओर से कसीदे पढ़े गए। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी जी का जीवन एक अर्थशास्त्री के रूप में रहा है, आज देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो जनता के बीच में विचार रखे और उन्होंने कहा था कि उस संकल्पों को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, आज वो संकल्प सिद्धि की तरह से पहुंच रहे हैं। आज ये देश का ऐतिहासिक दिन है जब INS विक्रांत 40,000 मेट्रिक टन क्षमता से आज समुद्र के भीतर उसकी लॉन्चिंग की गई है और अपने में वह विमानवाहित को दुनिया के उन देशों के श्रेणी में खड़ा किया है जो अपने को विकसित देश के रूप में अपने को मान्यता देते हैं। आज भारत उस श्रेणी में खड़ा है। अलीगढ़ में जिला अधिकारी ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि हर महीने में एक बार विभागीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विभागों में चल रहे माहौल को देखा जाता है। इस दौरान विभागों में जाकर कर्मचारियों को कार्यालय और फाइलों के रखरखाव की प्रतिक्रियाएं दिखाई गई। विभागों के कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए। राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कई नजरिए से किया जाता है। आज भी औचक निरीक्षण प्रातःकाल 10:15 बजे कर्मचारियों की उपस्थिति, अधिकारियों की उपस्थिति आंकने के लिए किया गया था। इसमें पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया गया, सभी कार्यालयों को मुआयना किया गया। उसमें बहुत सारी निष्प्रयोज सामग्री रखी हुई पाई गई है, जिसके कारण उठने बैठने का स्थान और जो मुलाकाती हैं उनके लिए स्थान कम हो जाता है। इनमें से बहुत सारा सामान उपयोगी है। मेरे द्वारा पूर्व में एक आदेश किया गया था कि जो सामान उपयोगी है उसको आप स्वयं रख लें या अपने स्टोर में रखें अगर जगह है, नहीं तो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित कर दें। खबर अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक युवक ने आर्थिक तंगी के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गहनता से मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। गोंडा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे थे। लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के सख्त निर्देश के बाद भी सुधार नहीं आ रहा है। आप कौन है यहाँ पर? हम स्टाफ नर्स। यहाँ पर मनकापुर में धरना प्रदर्शन किस प्रकार से क्या चल रहा है, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है कि सुषमा मैडम सुबह आती हैं, सारे जगह का फोटो खींचती हैं, सबको अभद्र गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती हैं और निजी मतलब जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसको सुचारू रूप से करने नहीं देती हैं। ऑपरेशन आज तक उन्होंने एक भी नहीं किया। ऑपरेशन वाले मरीज से पर्चा छीन के इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होमों में या इधर उधर टॉर्चर करके भेज देती है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सुषमा मैडम को यहाँ से हटाया जाए। अगर जो हम लोग सुचारू रूप से काम कर सकते हैं तो आपका धरना आज समाप्त हो जाएगा या अभी आगे चलेगा? खबर औरैया के रामगढ़ रोड से है, जहां ट्रैक्टर के गड्ढे में गिरने से उसमें सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकलवाया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, गड्ढे में अनियंत्रित होकर के पलट जाने से एक व्यक्ति उसके नीचे दबाव और दूसरा व्यक्ति साइड में था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और जेसीबी बनाई गई है। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और गंभीर अवस्था में डॉक्टर के लिए भेज दिया गया। दूसरा व्यक्ति नॉर्मल है, उसको भी साफ कर दिया। दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और ग्रामीणों के तो
गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस बेहटा हाजीपुर अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी, जिसके बाद सामने से बुलेट बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाशों को घेर लिया गया। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में थाना लोनी बॉर्डर और एसओजी देहात की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक बुलेट सवार दो व्यक्ति संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की और फायरिंग करते हुए काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस पर तत्काल लोनी बॉर्डर की टीम के द्वारा विभिन्न थानों को जरिए वायरलेस सूचना दी गई, जिस पर आगे एक टीम और भी चेकिंग कर रही थी, वो बंथला बंद फाटक की तरफ मूव की। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद पुलिस ने ससुराल के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। जानकारी इनके नहीं, इनके यहाँ से कोई फोन गया, बस जो पड़ोस में से किसी ने फ़ोन किया था, इन्हें आपकी लड़की बीमार है, ज़्यादा तबीयत खराब है। और यहाँ देख आके देखा तो ये हमने इनसे पूछा क्या हुआ, ये कहने लगे अटैक पड़ा है लड़की को। सर किसी को अटैक बताया गया, किसी को पीले बताया गया, किसी को टाइफाइड बताया गया सर, और हमें कोई सूचना नहीं दी किस चीज़ की। पड़ोस के लिए सूचना दी है सिकंदराबाद जी, और सिकंदराबाद की सूचना दी है, उसके आधार पर हम आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।